मिशन मिथिला मंच न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा में लगातार पूरी तरह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मिनट का जो आज कहा है कि ठीक 9 बजे 9 मिनट का, देखिए पूरी तरह अंधेरा है और इस अंधेरा में अगर हम देखेंगे तो लाइट भी अगर टॉर्च जल रहा है, हम दालबट्टी चौक पर हैं और अब दिखा दें, देखिए अभी से ही पूरी तरह नजारा है, 9 बज चुका है और 9 बजे का जो हालात है वो 9 मिनट तक ये दिया जलेगा और ये देश को कोरोना से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम सभी को, सभी अपने अपने तरीके से, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग महिला हो या पुरुष, इन सबों को एक नया एक, क्या लग रहा है, क्यों जला है, क्यों जला है, कोरोना वायरस को हटाने के लिए, क्यों जला रहे हो, क्यों जला रहे हो, कोरोना वायरस को भगाने के लिए, बोलो ना क्यों जला रहे हैं, कोरोना वायरस को भगाने के लिए। तो देखिए कोरोना वायरस से भगाने के लिए, ये लड़ाई करने के लिए ये जो है, और हम दिखा दे, देखिए चारों तरफ ये दिया है जो 9 मिनट तक जलेगा और मिथिला मंच न्यूज आपको दिखा रही है। तो देखें हमारे साथ यहाँ हम मनीष जायसवाल हैं जो खुद जो लाइट है वो जलाए हुए हैं, वो देखिए अगर देखें तो लाइट चला दीजिए सर, तो लाइट ये जो है क्या क्या संदेश है आज देश के प्रधानमंत्री, आज पूरी दुनिया में वो पूरी दुनिया का लीडरशिप कर रहे हैं। आज उनका आह्वान था कि 5 तारीख को रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों पे अपने स्थान पर दिया जलाएं। ये दिया जलाने का मुख्य उद्देश्य था हम जो आज समाज बट रहा है उसको एकजुट करने के लिए, सब एक साथ रहे और सबों में उत्साह वर्धन रहे, सब एक साथ मिलके आज ये जो महामारी कोरोना की पूरे विश्व को व्याप्त है इसके खिलाफ एकजुट होके लड़ने की हम लोग आज शपथ खाए। तो हम बता दें ऊपर देखे महादेव जायसवाल हैं जो लगातार खुद देखे ये जो जला रहे हैं वो, सारा देश दिवाली मना रहा था, जय श्री राम, मोदी सरकार कोरोना पर विजय प्राप्त किया है, संपूर्ण हिंदू समाज अपने घरों में दीप जलाकर खुशी मना रहा है। शौचालय देखे ये हो, देखे ये एक जोश है और एक उमंग है, अंधेरा छा गया है, देखे सड़क पर केवल दिया जल रहा है, आप देख सकते हैं, हो सकता है हमारा चेहरा भी नजर नहीं आपको, लेकिन आपको बता दें ये दिया जल रहा है और ये लगातार दरभंगा में हम 9 मिनट आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर, दरभंगा की सड़कों पर घरों में किस तरह लोग कोरोना से लड़ने के लिए एक सब ये चाह रहे हैं कि एक प्रोत्साहन मिले उन लोगों को जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, इन सबों को उत्साहित करने का एक सबसे अच्छा मौका है। आप देख रहे हैं लगातार मिथिला मंच न्यूज पर, चलिए जी 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 बातें सुन गाए।
चलिए हम दिखाते हैं पंडासराय में, हम वहीं देखें यहाँ भी मिला जुला असर है। यानी अगर देखें तो कुछ इलाके में पूरी तरह दीप जल गए हैं, तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दीप नहीं जला, यानी कि इसको महत्व नहीं दिया गया। इसको लोग ये बस समझने प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या, क्यों लोग इसको इस रूप में ले करके जिताने का प्रयास कर रहे हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अंधेरा है पूरा, देखिए पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग अंधेरे में हैं और दीप लोग अपने घरों में दुकानों में दीप जला रहे हैं अगर कहें तो। और हम देखिए ये दिखा रहे हैं कई जगहों पर आपको नज़र आ रहा होगा दीप, तो ये पंडासराय का है हालात। और ये देखिए कि ये पूरा घर में भी यहाँ पर हैं और फातिमा साहब के घर भी बीम अभी हालांकि ये नहीं देखिए यहाँ पर सामने में भी जल रहा है दीप हर एक घर में। तो ये कोरोना की लड़ाई है, कोरोना से लड़ रहे हैं सब, सभी चाह रहे हैं कि अपने अपने तरीके से हम इस लड़ाई में शामिल हों और करो। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक माननीय रामविलास पासवान के निर्देशानुसार, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान के कथनानुसार आज दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने आवास पर एक फूल जलाकर झंडा बैनर लगाकर फटाका फोड़कर ये साबित कर दिया है जो करोना वायरस को मैं पूरा भारत में समाप्त कर देना है, जिसमें कहीं ना कहीं जनशक्ति पार्टी का भी बहुत बड़ी भागीदारी रही है। ये आज आप देख रहे हैं ये दरभंगा लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक एक पंचायत में एक एक वार्ड में एक एक मोहल्ला में इस तरह का आयोजन किए हैं। इसके लिए मैं दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते तमाम कार्यकर्ता को तमाम मित्र बंधुओं को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। वायरस है कोरोना वायरस का मार में सब भारतीय हम लोग मिल के एकजुट होकर के जो है सो उसका समर्थन किए हैं मोदी जी का और सब कोई अपना जंग लड़ रहे हैं। लग रहा है कुछ इलाका में विरोध हो रहा है, लोग नहीं दीप जला रहे, विरोध करने वाले राजनीति विरोध करने वाले तो विरोध कर ही रहे हैं, वो हम आप सब जान रहे हैं, हम आप सब देख रहे हैं, बदलाव होना है। यही है कि हम लोगों जो अभी जो लॉकडाउन के कारण हम लोग सब घर में थे, उस लॉकडाउन को मतलब उस हिसाब से अति किए हैं कि ताकि आदमी को सेपरेट अपने बीमारी को हटाने के कारण और अपने आप में सुरक्षित के कारण सभी आदमी अपने अपने मतलब खुशी का एक कम से कम माहौल बना ले, ताकि मैंने कोरोना से लड़ाई के लिए आप लोगों ने किया जी, चलिए कोरोना से लड़ाई। हम सब एक हैं।
बेईमानी के खातिर पड़े ना तो वह है खाली बता देखियो लाइट जला रहा छे सर टॉर्च के फोकस पर यहां खड़ा है दूरी बनाए दादा बोलिए चार लाइन बोलिए छोड़ले ना नहीं ठीक है आज हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि पूरा देश मिलकर के रोशनी जलाए और आज उन्हीं के आह्वान पे हम लोगों ने लाइट ऑफ करके 9 बजे में उनके उनके साथ चलने के लिए सबका साथ साथ सबका विकास के साथ आज जो ये देश के ऊपर इतना बड़ा विभीष इतना बड़ा दुख का बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है उनके इसलिए हम लोगों ने उनके साथ ये लॉकडाउन में आज दीप जलाकर उनका साथ दिया है और भगवान से इच्छा भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे देश में जल्द से जल्द ये दुख की घड़ी को टाल दें और साथ में हमारे जो महान माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने आज देश को आज अगर ये देश में नहीं होते तो देश का क्या हाल। मैं करनाल के निसिंग जगह पे हूँ और मैं अपनी छत पे लाइट जला के खड़ा हूँ। सामने बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, कहीं कोई लाइट नहीं जल रही है। जो एक दो लाइटें आप देख रहे होंगे ये स्ट्रीट लाइटें हैं, पहले गुरुद्वारा की लाइट जल रही थी, अब वो भी बंद है। घरों में बिल्कुल अंधेरा है, लोग पटाखे जला रहे हैं। अब भी दिखा दरभंगा से लेकर लहरियासराय तक ये कोरोना से लड़ने का एक जंग है और दिया जलाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जितने भी मरीज हैं जो पॉजिटिव हैं जो आज पूरी तरह जो बेड पर पड़े हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है जो नर्स जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनको उत्साहित करने का है। ये एक समय है, ये पूरे देश को दिखा रहा है कि जो डॉक्टर नर्स उस पॉजिटिव केस के मरीज को जो संक्रमित मरीज को जो डॉक्टर के इलाज में पड़े हुए हैं किसी अस्पताल में उन लोगों को प्रेरित करने का है क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा कष्ट में अगर कोई है तो वो डॉक्टर है, वो नर्स है, जो सब जो कर्मचारी है जो अपनी जान पर खेलकर आज लोग घरों में दुबके पड़े हैं लेकिन वो डॉक्टर वो नर्स जान पर खेलकर उस मरीज को बचाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में उन सभी को उत्साहित करने का समय है और आज पूरा दरभंगा एक है, पूरा देश एक है, सिर्फ इसलिए कि इस कोरोना से हमें लड़ना है और कोरोना को भारत से भगाना है। इस मिशन के साथ देखते रहे मिथिला मस्ट न्यूज को यूट्यूब पर हर अपडेट खबर। धन्यवाद।